हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, गर्मियों के अंदर पशुपालकों को दूध कम होने की समस्या काफ़ी देखने को आती है। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम बात करेंगे प्रोटीन सी के बारे में। दोस्तों, जो प्रोटीन सी है इंडिया के अंदर हेस्टर कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, जो ये प्रोटीन सी है, इसका पहले हम इसका नाम का मतलब समझ लेते हैं। प्रोटीन सी का मतलब है प्रोटीन प्लस कैल्शियम। ये स्पेशल एक दवाई है जिसके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम का कम्बिनेशन आता है। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो प्रोटीन सी है ये 250 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर और 20 लीटर के जार के अंदर अवेलेबल होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या डाला गया है, क्या क्या इसके घटक हैं। दोस्तों, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन डाले गए हैं। अगर हम इसके डिटेल के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर बायोटिन, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल और साथ में मिनरल्स डाले गए हैं, जो कि पशु को अलग अलग प्रकार से अलग अलग कमियों के अंदर काम आते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोटीन सी का क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं और किस प्रकार से इसको देना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों, हम प्रोटीन सी को प्री काल्विंग और प्रो काल्विंग दोनों जगह में इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पशु के ब्याहने से पहले इसको देने से पशु को कीटोसिस वगैरह नहीं होता, मिल्क फीवर की जो संभावना है वो घट जाती है, और जब इस पशु ब्याह जाता है उसके बाद इसको देने से पशु का जो दूध है उसका लेवल बढ़ता है और साथ में कैल्शियम की पशु के अंदर कमी नहीं आती है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो प्रोटीन सी है उसको हम छोटे कास और हाइफर्स को भी दे सकते हैं। कास और हाइफर्स को हमें देने का बेनिफिट क्या है, एक तो उनका वेट गेन होगा और साथ में जो उनकी हाइट है वो भी अच्छी गिर जाएंगे, और साथ में उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट जल्दी हो जाएंगे, जिससे कि पशु है जल्दी बढ़ जाता है। इसके अलावा आप बकरी को भी दे सकते हैं। बकरे को देने से उसका जो बॉडी वेट है वो गेन बहुत जल्दी होगा। इसके हम अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करें तो पशु को स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस भी कई कारणों से होता है। सीजनल स्ट्रेस हो चुका है पशु को वैक्सीन लगाने से, तो स्ट्रेस हो चुका है, या उसके परफॉर्मेंस दिखाने से, घोड़ों को परफॉर्मेंस दिखाने से, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी अगर उसको हो चुका है, सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन आ रही है, तो भी अगर पशु को किसी तरह स्ट्रेस है तो भी हम प्रोटीन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो कैरेटिन लाइन है उसकी मजबूती के लिए भी काम आता है, जिससे कि घोड़ों के अगर खुरों के अंदर दिक्कत आ चुकी है, गाय भैंस के खुरों के दिक्कत आ चुकी है, उनके अंदर किसी तरह की दरारें आ चुकी है, तो भी हम इसका प्रोटीन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्याने से पहले देते हैं तो पशु की जो कैरेटिन लाइन है वो मजबूत करेगा, जिससे कि अडर की डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोटीन सी के डोज के बारे में। दोस्तों, जैसे पशु का वेट होता है उस हिसाब से इसकी डोज देनी है। जिस हिसाब से बड़ा पशु हो गया, गाय होगी, भैंस होगी या घोड़ा है, तो उसको 100-100 ग्राम सुबह शाम देनी है। इसके अलावा छोटे पशु आ जाते हैं, जैसे कि बच्चे बच्चियां आ गई है या शीप है या गोट है, उनको 10-20 ml सुबह शाम देने हैं। पोल्ट्री के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 10-20 ml जो है वो हमें प्रति लीटर के अंदर देनी होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे रिव्यू चाहिए, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।